क्या पीएम मोदी बन रहे राम का अवतार? क्या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी कर रही राजनीति? आखिर क्यों राम मंदिर से है विपक्ष को परेशानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खिलाफ। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी को लेकर। दर्शकों, बता दें कि राम मंदिर का पर्व इस वक्त देश के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होना है और ऐसे में देश के करोड़ों लोग यहाँ पर राम मंदिर की भक्ति पर लीन है और उस पर झूम रहे हैं। बड़ा पर्व माना जा रहा है, लोग दोबारा से दिवाली मनाने की बातें कर रहे हैं और लगातार बयानबाजियां यहां पर इस मुद्दे को लेकर भी जारी हैं। बता दें कि राम मंदिर निमंत्रण को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आए दिन देखने को मिलती है। कभी बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी पार्टी के नेताओं को यहां पर निमंत्रण जाता है तो वो उसको स्वीकार नहीं करते, और फिर कुछ विपक्षी पार्टी के नेता है जो निमंत्रण का इंतजार करते हैं ताकि निमंत्रण आए और राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, राम मंदिर पहुंचने के लिए वो चले जाए। बता दें कि यहां पर बीजेपी पार्टी ने और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कई विपक्षी पार्टी नेताओं को राम मंदिर का निमंत्रण दिया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं की अगर बात करें, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद यहाँ पर विपक्षी पार्टी के एक और नेता की अगर बात करें, केजरीवाल की, जो अब उत्सुक घूम रहे हैं कि राम मंदिर का निमंत्रण आए और वो राम मंदिर आए। जहां पर केजरीवाल को निमंत्रण नहीं पहुंच रहा तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पास निमंत्रण पहुंच चुका लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। केजरीवाल को मिला नहीं लेकिन वो जाने के लिए तैयार है। ऐसे में जो लगातार आरोप है वो बीजेपी पर लग रहे और बीजेपी को यहां पर एजेंडा बताया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बताया जा रहा है राम मंदिर को लेकर, जो वो लगातार बना रहे हैं और देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी बातें लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही है। तो बता दें कि अब अधीर रंजन चौधरी ने ही यहां पर एक बार फिर से पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है और यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को राम का अवतार बना रहे हैं और इसीलिए वो लगातार राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं और देश की जनता पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि यहां पर अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि पीएम मोदी खुद को राम का अवतार बनाना चाहते हैं और बीजेपी प्रभु राम का अपमान कर रही है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक मकसद के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करने में काम कर रही है और उनको अपमान कर रही है उनका। दरअसल कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के अधिकतर घटक दलों ने राम लला के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी को भी समारोह में शामिल होने से निमंत्रण मिला था लेकिन उन्होंने भी इसको पूरी तरह से नकार दिया और उस निवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के केंद्र सरकार पर हमलावर है, इसे सरकार का कार्यक्रम बता रही है जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड के बीच सियासी तापमान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी कई सवाल सरकार पर खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी खुद को राम का अवतार बनाना चाहते हैं, राम को बड़े सोच समझ के तरीके से चुनावी मुद्दे में खींचकर बदनाम किया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर भी बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि क्या वो देश का एकमात्र हिंदू है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के निमंत्रण को अस्वीकार के लिए हमें हिंदू विरोधी कहा जाता है तो शंकराचार्य को क्या कहा जाएगा? क्या पूरे देश में केवल पीएम मोदी ही बचे हैं जो हिंदू हैं? दर्शकों, बता दें कि यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और यह बता दिया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि हिंदू हैं? क्या पूरे देश में कोई ऐसा हिंदू नहीं? और ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जाहिर किया कि बीजेपी पार्टी हमको हिंदू विरोधी बताती है। क्या राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार न करना हिंदू विरोधी की पहचान बताता है? और अगर ऐसा है तो फिर शंकराचार्य भी विरोधी है, क्योंकि यहां पर शंकराचार्य ने
पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर प्रतिष्ठान कार्यक्रम लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और जाने से मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब कोई भी शंकराचार्य यहां पर नहीं जाएगा और जो उद्घाटन होने वाला है रामलला का वो पीएम मोदी करने वाले। तो ऐसे में शंकराचार्य का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरा को तोड़ रहे हैं। शंकराचार्यों के द्वारा यहां पर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होता आया है और पुरानी परंपराओं को यहां पर पीएम मोदी तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शंकराचार्य भी इस पूरे मुद्दे से नाराज नजर आते हैं और वो भी कहीं ना कहीं राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने से मना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ही अधीर रंजन चौधरी ने इसको एक बेहतर तरीके से सामने रखा और पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा और यहां तक बता दिया कि पीएम मोदी खुद को राम को अवतार बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो इस एजेंडे के रूप में राम को आगे कर रहे हैं और चुनावी संग्राम में राम का नाम लेकर वोट मांगना चाहते हैं। एक फकीर की तरह वो भगवान का नाम लेकर वोट मांगना चाहते हैं। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक मकसद के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करना अपमान कर रही है। इस्तेमाल करके प्राण प्रतिष्ठान समारोह के निमंत्रण पर सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही ठुकरा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस महीने की शुरुआत में निमंत्रण को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो बाद में अपने परिवार के साथ राम मंदिर जाएंगे। वहीं अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। रामलला की प्रतिमा गर्भगृह पर विराजमान हो गई है, अब बस प्राण प्रतिष्ठान का इंतजार किया जा रहा है। इस समारोह के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बताया जा रहा है कि इस समारोह में 7,000 लोग शामिल होंगे, जिसमें नेता, अभिनेता, उद्योगपति, साधु संत समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन दर्शकों, रामलला का ये कार्यक्रम जितना बेहतर तरीके से करने का बताया जा रहा है उतनी बेहतर तरीके से हो नहीं रहा। यहाँ पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तौर पर हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर कर रही तो कांग्रेस बीजेपी पर कर रही है, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के कई नेता हैं जो बीजेपी को इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है और बता रही है कि एजेंडा चला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। खुद ममता बनर्जी ने यहाँ पर पीएम मोदी को नौटंकी करना बताया कि राम मंदिर के नाम से पहले और प्राण प्रतिष्ठान से पहले वो राम के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ पर निमंत्रण स्वीकार करने से मना कर दिया। यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी अब पीएम मोदी को हमलावर हैं और बोल रहे हैं कि ये खुद को राम का अवतार बताना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने राम को काल्पनिक तक बता दिया था। तो लगातार राम को लेकर यहाँ पर विवाद मचा हुआ और ये सच बताया जाए तो विवाद राम के नाम का नहीं है, वोट के नाम का है कि वोट कौन सी पार्टी लेकर जाएगी, बीजेपी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार से राजनीति में घमासान मचा हुआ है और लोकसभा चुनाव के लिए चारों तरफ से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी अपने हथकंडे अपना रही है तो कांग्रेस अपने अपना रही, बीजेपी पार्टी यहां पर राम मंदिर को आगे कर रही है तो विपक्षी पार्टी के नेता यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपने वोट साधने का काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता यादव वोट बैंक पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। तो अभी भी बीजेपी पार्टी राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साफ नहीं कर रही और यहां पर लगातार बयानबाजियां चालू है। दर्शकों, अब देखना होगा कि जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने यहां पर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया और राम के अवतार के नाम को लेकर यहां पर प्रतिक्रिया दे दी, ये तक बता दिया कि प्रभु श्री राम के नाम पर ये देश की जनता को लूट रहे हैं और राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि आखिरकार अधीर रंजन का यह बयान क्या कुछ नए राजनीति घमासान पर एक पेट्रोल की तरह काम करता है आग में या फिर नहीं, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी के नेता ऐसा ही कुछ राम को लेकर बयान दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि राम के नाम पर विवादित बयान देने से खुद कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक बड़ा समुदाय हिंदू यहां पर निवास करता है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हिंदुओं के लिए दिवाली की तरह है और इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मुसीबत में न डाल दे, ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जानकारों का ये मानना है कि ऐसा करने से कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लिहाजा अब ऐसे मौके पर बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाने साधे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद ये बात बता दी कि राहुल गांधी राम को नहीं मानते, राम विरोधी, और ऐसे में वो राम को जब नहीं मानते तो फिर ऐसे में निमंत्रण देने की जरूरत भी क्या थी। कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तौर पर लगता है, उसको देखी जा रही।
अब देखना ये भी होगा कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी अपना क्या रुख अपनाती है, क्या बीजेपी इस पर कोई पलटवार करती हुई नजर आती है, क्या राम मंदिर को नाम पर सचमुच बीजेपी यहां पर एजेंडा चला रही है, क्या कांग्रेस पार्टी रामलला के दर्शन करने को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर आकर बताइएगा। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।